हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा बट अच्छी खासी एलिवेशन है। हमने जो है ना, जिसको कहते हैं ना लाइफ जैकेट पहन के, वो केव कह लें या उसको अंडर वाटर गए हैं। वैसे तो है, लेकिन ये था कि थोड़ा डर रहता है क्या, लेकिन वो बंदा हमारे साथ गया था अंदर, क्या सीन था। अंदर से बाहर की तरफ ऐसा लग रहा था जैसे लाइक लाइट ब्लूइश वाटर आ रहा हो, इतना खूबसूरत मंजर, और अंदर ऐसा लग रहा था केव टाइप। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन्स पर ऑल द वे फ्रॉम सलाला। और इस वक्त क्या मौसम हुआ हुआ है, ड्रिजलिंग, आई मीन लाइट नहीं कह सकते, प्रॉपर थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है। और अभी हम लोग रेडी हैं अपने सीज़न 2 एडवेंचरस सलाला को। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। और सलाला में ज़्यादा बारिश आने के बाद स्टार्ट होते हैं यहाँ के बहुत ही प्यारे वाटरफॉल्स। कुछ वाटरफॉल्स बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल होते हैं, जिस तरह हमने आपने पिछली वीडियो में देखा एन ओतम, या आप वादी दरबार के वाटरफॉल्स कह सकते हैं, वो बड़े ईजीली एक्सेसिबल हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो वादीज़ के बिल्कुल अंदर जाके हैं, डिफ़िकल्ट हैं। उनमें से एक अलगैत भी है। अलगैत का जो वाटरफॉल है, वहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम जाने की कोशिश की थी, बट ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है उस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग नहीं जा पाए थे, आधे रास्ते से वापस आ गए थे, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे। हम अपना एडवेंचरस सीज़न उसी अलगैत से स्टार्ट कर रहे हैं, तो होपफुली ऑल विल बी वेल। बारिश हो रही है तो मच्छरों वाला सीन शायद थोड़ा सा ईजी हो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारे पास मॉस्पेल रेडी है, और इस सीज़न में हमारे साथ होंगे अगेन आदिल एंड रहील, जिनको आपने पिछले सीज़न में भी देखा था और हाइलाइट्स में भी देखा है। पिछला सीज़न बहुत ही प्यारा गुजरा था, होपफुली इस सीज़न में भी हम लोग इसी तरह इंजॉय कर पाएंगे और आप लोगों को भी एक एडवेंचरस माहौल और एक एडवेंचरस सीरीज़ दिखा पाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। आदिल और रहील को पिक करते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे, एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स अलगैत, क्योंकि जितनी ट्रैकिंग है उस हिसाब से खाना भी ज़रा तगड़ा ही खाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब नाश्ते के लिए सबसे पहले किधर? सबसे पहले अल कादरी। वो बारिश चेक कर क्या यार, अच्छा जी। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, स्नैक्स वगैरह ले लिए, पानी ले लिया, और बारिश जो इंतहाई किस्म की, जिसको कहता है तबाही वाली हो रही है, वो जो बिलावल भुट्टो का मैंने शुरू में बताया, जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है, और तबाही वाली आई हुई है। और हमने ये मौसम मिड अगस्त में, नॉर्मली हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो इस वक्त मिड जुलाई में आए हुए हैं, तो लेट्स होप कि वहाँ पर हमें अच्छा, एक नॉट चैलेंजिंग बट मज़ा आ रही।
लें जी, हम पहुंच गए हैं एनगैत के साइट पे और सीन चेक करें। हम लोग पहले आए थे तो इतना था बट लेकिन बारिश हो रही थी। इस वक्त ये है कि बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल ड्राई है, तो मच्छरों वाला सीन थोड़ा सा होगा। हम लोग जब लास्ट में आए थे तो यहाँ पर आके बैठे थे, तो मे बी हम ये कह सकते हैं कि रास्ता साफ होगा, पानी वाला सीन नहीं होगा। जब हम लोग 1 किलोमीटर ही हम लोग गए थे तो वापस आ गए थे, हमारे घुटनों के आसपास पानी आया हुआ था। तो अभी वो मॉस्पेल वगैरह लगाते हैं मच्छरों वाला प्रोटेक्शन, एंड देन वी विल स्ट्रेट गो अहेड। थोड़ा सा तैयारी करते हैं, बैकपैक रेडी करते हैं। हाँ, ये अंदर तक जाएंगे। साढ़े वर्ग तो जाके टेंट पे जाके बैठ जाएंगे। गेटिंग रेडी। प्लेन स्टार्ट कर ली है और नाउ स्टार्टिंग एट 10 और लेट्स सी। क्यों खुश्क एरिया है बट रिलेटिवली, क्योंकि बारिश नहीं हो रही, हवा नहीं है, क्योंकि हम वादी के अंदर जा रहे हैं, तो इट विल बी ह्यूमिड, इट विल बी हॉट। सो या क्या हो गया, इधर से नहीं जाना। उसने यही चीज कही थी कि ये चीज ध्यान में रखना कि ये पानी की, तुम लोगों को ऐसा लगे पानी से वाली साइड पे जाना तो ऊपर चढ़ जाना पहाड़ पे। चलो फिर, ये रास्ता उधर जा रहा है ना। आदिल गलत ले आया। चलो जान दे यार आदिल, इस वक्त हम गलत रास्ते पे पहुंच चुके हैं इस बंदे की वजह से। तुम्हें वीडियो बनाने के लिए कहा तो था लेकिन हमें गलत जगह पे लाने के लिए नहीं कहा था। रास्ते में इन लोगों ने यहाँ पर मार्किंग की हुई है तो वो आपको थोड़ा इजी बता देते हैं। जस्ट ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, पूरे ये पानी के निशानात ड्राई आउट हुआ है और यहाँ पर पूरा लाइक यू नो एक किस्म का बहाव फुल ऑन था, इसी वजह से यहाँ पर अभी एक किस्म की रेत ही बनी हुई है। ये देखें, ये भी चल रहे हैं इधर। क्या हो गया, हम डेड एंड पे आ गए। क्योंकि बारिश नहीं है, फुल ऑन ह्यूमिडिटी है और बड़ा मुश्किल है और मच्छरों वाला भी है। आदिल दूसरी दफा लगा रहा है। मच्छर जो है ना, हमें अगर किसी ने काले कपड़े पहने हुए हैं ना, वो पता चल रहा है कि पूरी फौज है मच्छरों की। छोटी सी ब्रेक, मच्छरों वाला सीन थोड़ा सा ज़्यादा है। एक दफ़ा और वो लगा रहे हैं मॉस्फेल और थोड़ा सा पानी और उसके बाद फिर दोबारा आगे चलते हैं। वाटरफॉल आई थिंक हमें नज़र आ गई है तो हम लोग सही रास्ते पे हैं। एक दो दफ़ा भटके हैं बट यहाँ जो निशान लगे हुए हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही मिल जाए। कहाँ जाना है यार? ये देखो राइट पे ये इशारा बना हुआ है, वो लेफ्ट पे भी बना हुआ है, आप इधर आके तो देखो। अच्छा ओके, यानी वहाँ पर टर्न करना है। ओके लेकिन नेचर के बीच में हम लोग, क्या सन्नाटा यार, और पानी की बहाव की आवाज़ आ रही है लाइक वो बहता हुआ पानी की, और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है।
ये देखें जी, ये भी निशानी लगी हुई है जो हमें इस तरफ लेकर जा रही है। अभी तक तो लाइक प्रॉपर मार्किंग्स हैं जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, बट हम लोग वही बात कर रहे थे कि पिछले साल जब हम लोग पीक सीज़न में आए थे एट द लाइक यू नो अगस्त एंड में, तो ना डराओ, तो यहाँ पूरा गीला और पानी के थ्रू हमें जाना पड़ता जो इस वक्त ड्राई आउट है, बट निशान लगे हुए हैं, किसी ने हिम्मत करनी है तो आ सकता है। रहील ने हिम्मत दिखाई है, आगे आगे जा रहा है हमारा गाइड। भाई असली मेहनत अब शुरू है, अब चढ़ाई है पूरी। वो लोग वो आगे चले गए। ये बंद कर। ओके, दूसरा ये कि जो जाने का रास्ता है ना, जो वाटरफॉल है, दैट इज़ एट द एलिवेशन, अच्छी खासी एलिवेशन है, पता नहीं कितने की है। अब हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा बट अच्छी खासी एलिवेशन है। फ़िलहाल तो फुल ऑन ड्राई, यहीं से मेन पानी की जो लेयर है, चश्मा कुछ भी कह लें, वाटर स्ट्रीम यहाँ से ही आगे जा रही है ऊपर से। ऊपर कहाँ से, ऊपर हाथ पकड़। तो हम लोग अंदर गए थे, भाई ने मेरी मदद की थी, लाइक यू नो काइंड ऑफ अ सपोर्ट, ऑल्दो हमारे पास लाइफ जैकेट्स थी बट ही हेल्प आउट। इतना खूबसूरत मंजर था, अब्दुल्ला ने हमारी मदद की और खालिद ने हमारी मदद की, मदद करके शुक्रन अब्दुल्ला। एक
हमने जो है ना जिसको कहते हैं ना लाइफ जैकेट पहन के वो केव कह लें या उसको अंडर वाटर गए हैं। वैसे तो है लेकिन ये था कि थोड़ा डर रहता है क्या, लेकिन वो बंदा हमारे साथ गया था अंदर, क्या सीन था अंदर से बाहर की तरफ ऐसा लग रहा था जैसे लाइक लाइट ब्लूइश वाटर आ रहा हो, इतना खूबसूरत मंजर, और अंदर ऐसा लग रहा था केव टाइप। ताकि अकेले की आ जाएगी, मुझे धक्का दो आगे की तरफ। टांगे के ऊपर जा रही है तो वो नहीं था, चश्मा नहीं पहना था, अब जरा ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा जी, क्या बात, वापसी। और हमारा टाइम हो चुका है प्रोटीन बार का, क्योंकि मेहनत तो ऊपर जाने में तो आई है लेकिन नीचे, ऑल दो एलिवेशन से नीचे जाएंगे लेकिन फिर भी मेहनत ज़रूर लगनी है, तो टाइम फॉर सम टू गेन एनर्जी, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। लें जी, हम लोग ऑन द वे बैक, और आदिल भी आ रहा है, रहील देयर। और अभी वापसी का हमें कितना टाइम लगा था ऊपर आने में, 10:15 बजे चले थे, और कितने बजे पहुंचे थे ऊपर, एक घंटे में। सो या रफली 1 आवर, और नीचे जाते वक्त थोड़ा सा जल्दी होगा क्योंकि एलिवेशन गेन नहीं करनी हमने, लूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैफ अलैक। तो इट्स रिलेटिवली शुड बी एन इजी टास्क, मेन थिंग ये है कि आप सीधे रास्ते पे हों, दैट्स इट। हमने जी ऊपर से आ तो रहे हैं लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जो हैं ना पूरा, हम लोग आ रहे हैं ऊपर से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ने यहाँ से होकर जंगलों से होते हुए वहाँ पर इस पहाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी खड़ी की हुई है। हमारी एक पलटून तो हम लोग हैं, एक वो नीचे अगर आपको नज़र आ रहे हो वहाँ पर है, और एक वो लोग कहीं कोई लोकल्स जा रहे हैं। हमारी पलटून तो इधर है। देखो आदिल, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है। क्या कह रही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आए। अच्छा जी, हम पहुंच गए यहाँ पर रसूत में, यहाँ पर खाना खाते हैं। हमारी तकरीबन जो हाइकिंग थी 10 बजे हमने स्टार्ट की थी और वापस हम लोग 3 बजे आ गए थे, तो दैट वाज ओवरऑल अराउंड 8 किलोमीटर्स हाइक। बड़ा अच्छा लगा, चैलेंजिंग था बट हो गया ना। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई एडवेंचरस लोकेशन पर। अल्लाह हाफिज़।